अरे गेंद लेने गया था, इतना टाइम कहाँ लगा रहा है? कहाँ गए तुम्हारे चाचू? अरे दादी, उससे भी बड़ा सवाल ये है कि चाचू की किक में रोनाल्डो और मेसी से भी ज्यादा पावर कहाँ से आ गया? इलो। उससे भी बड़ा सवाल तो ये है, कहीं बॉल ढूंढने के बहाने हैप्पी कोई नया आइडिया सोचते तो नहीं निकल गया? परियो, मैंने आप सबके लिए ये शक्ति खोज यंत्र बना लिया है ताकि बालवीर के हमशक्ल को ढूंढने में एक पल की भी देरी ना हो। ग्रेट, अब हम सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाके हैप्पी को ढूंढ सकते हैं। हाँ जल्दी से जाइए, हमारे पास समय नहीं है। जोली भाई, ओ माफ करना हो, वो क्या है ना, आप लोग दो दिन थोड़ा जल्दी आ गए ना, तो आप लोगों के रहने का इंतजाम थोड़ा सा हो नहीं पाया, ओ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओ ना, कोई बात ना है दिवाली जी, कमरा छोटा है तो क्या हुआ, दिल बड़ा होना चाहिए। हाँ सच्ची बात है, आप लोग सामान लेके आइए, मैं इस तरफ हूँ, तब तक मैं आप लोगों के रहने की व्यवस्था करती हूँ। आओ। अरे बम्बई इतना बड़ा शहर है, ये अपना हैप्पी भटक गया तो तुम दोनों ना एक काम करो, सामान उठाओ और जाओ, अब हम खुद ही जाकर अपने लल्ला को ढूंढ कर लाते हैं। अब सब उठा लेना अच्छे से। चिंटू, अगर तुम्हें ये सब सीरियसली नहीं करना है ना, तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। रिलैक्स उठली, हम तो बस जोक मार रहे थे, इसलिए हंसी आ गई। एनीवेज गाइस, कंटिन्यू करते हैं। देवू भैया, आप जहाँ पे भी है प्लीज हमें एक बार आंसर कीजिए। अरे ये रही गेंद, भारत थगर के बच्चे ये कौन सा नया खेल खेल रहे हैं, और वो भी इतना आराम से, कमाल है। यहाँ पे रहेंगे तो कुकी पुकी भी खेल सीख जाएंगे, फिर भैया बाबी को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। अरे बाप रे, हो गई अशांति। ये कैसी आवाज थी? कहीं तुम दोनों ने वापस कोई कांड नहीं किया ना चिंटू चिंटी? चीज बर्गर की कसम, हमने कुछ नहीं किया है। ये क्या है? क्या? कहीं ये देवू भैया की स्पिरिट तो नहीं है? किधर है? कहाँ? तुम्हारे पीछे मुड़ के देखो। नहीं, हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अगर उन्हें हमसे बात ही करनी है तो वो आगे आएंगे ना, हम क्यों पीछे मुड़े? चिंटू चिंटी, Thank you.
ये भूत पर्दे में क्यों छुप रहा है? शायद उन्हें शर्म आ गई होगी। बकवास करने से पहले हम ये कंफर्म कर ले कि ये देवू भैया की आत्मा या कोई और। तो इस सस्पेंस से पर्दा उठाना, जाओ तुम दोनों, जाओ। अरे तुम लोग जाओ ना, तुम लोग तो खाते पीते घर के हो हैं, और तुम ही तो बोले कि तुम्हें किसी से डर नहीं लगता। जाओ जाओ। हम क्यों जाएं? अरे हम भी कहां इतना लट्टम लपेट कर रहे हैं, अपने गार्ड गिफ्टेड पावर का यूज करके अभी निकल लेते हैं इस पर्दे से बाहर। ये पर्दा उठाओ, दुनिया को मुखड़ा दिखाओ। रिंकू, तेरा एक्सपेरिमेंट का रेडियो सिग्नल तो बहुत दूर तक चला गया। कहीं ये देवू भैया की आत्मा मम्मी बन के पिरामिड से तो नहीं आ गई? हम जैसे ही बालपरी हैप्पी पांडे को लेकर यहाँ आ जाएंगे, हम सब वीरलोक के सेफ हाउस में चले जाएंगे। शौर्या, क्या आपको काल की लोकेशन पता चली? नहीं विवान, मैंने बाकी छह ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित करके मालूम करने की कोशिश की है कि काल इस समय कहाँ है, लेकिन सब जगह से यही उत्तर मिला है कि काल उनके ब्रह्मांड में नहीं आया है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? काल खुद हमें चैलेंज देकर गया है कि वो बाकी हमशक्ल पर अटैक करने की कोशिश करने वाला है। लेकिन फिर भी वो किसी ब्रह्मांड में नजर क्यों नहीं आ रहा, इसका क्या मतलब हो सकता है? यही कि जिसे हम काल की चुनौती समझ रहे हैं वो दरअसल उसकी चालाकी हो सकती है। अरे, अरे। खूबसूरत पक्षी, लेकिन काल का इतने साइलेंस में बैठने के पीछे काल की क्या चालाकी हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं है विवान कि वो चाहता हो हम सारे हम शक्लों को एक जगह एकत्रित कर ले और वो एक ही बार यहां आकर सब पर हमला कर दे? मुझे भी लगता है हमने इन तीनों हम शक्लों को एक साथ जमा करके गलती कर दी है। या फिर ये भी तो हो सकता है कि हम कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हो। हो सकता है कि काल धरती पर पहुंच गया हैप्पी पांडे पर अटैक करने। अरे अब इस पर्दे से अपना पीछा कैसे छुड़ाएं हम, अपना दर्द किसको बताएं? अरे चुटकी बजाकर भी बात नहीं बन रही। बट चिंटू, अगर ये कोई मम्मी होता तो फिर इसकी पीठ पे ये सुपर हीरो वाला वेपन कहाँ से आ गया? अरे ये सारे क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जिसने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट किया उससे पूछो ना। हाँ हाँ, ये क्या है रिंकू? नो आइडिया फ्रेंड्स, मुझे भी नहीं पता कि मेरे डिवाइस ने इतनी दूर इजिप्ट से मम्मीज को यहाँ पर कैसे स्पॉन कर लिया। अरे ये मम्मी तो कोई अजीब सी मूवमेंट भी कर रही है। जब कुछ समझ ना आए और एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए तो एक ही काम सही रहता है, क्या? भागो! भागो! कोशिश कर रही है।
हेल्प चाहिए? मम्मी को हेल्प चाहिए? मम्मी जी, अरे अभी तक तो हमारे साथ ही बनाया हुआ, और शादी होगा तो भी हम मम्मी काहे बनेंगे? प्लीज हमें कुछ मत कीजिएगा, प्लीज हम आपको मिस कर रहे थे इसलिए हमने आपको बुलाया, प्लीज कुछ मत कीजिएगा प्लीज। हमें याद कर रहे थे? हाँ। लेकिन हम तो अभी अभी कानपुर से टेम्पो में आए हैं, फिर याद कैसे कर रहे थे? टेम्पो से? अरे अरे बहुत लंबी बात है, लेकिन हम विस्तार में बताएंगे, पहले पर्दा हटाओ, पर्दा हटाओ। रिंकू ये पर्दा मत खोलना, ये हमें किडनैप करके लेके जाने वाले हैं। पर्दा मत खोलना। लगता है ये बच्चे लोग हमें पर्दे में पैक हुआ देखकर डर रहे हैं, अब हमें अपना हैप्पी चक्र घुमाना ही पड़ेगा। भैया मर गए, लगता है देवू भैया के मरने के बाद उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और बढ़ गया है। लेकिन दो बार कौन मरता है? अरे बताओ सोन चिड़िया, क्या संदेश लाई हो? अरे लगता है महामहिम कोई अच्छी खबर लाई है सोन चिड़िया, जरा मुझे भी बताना महामहिम। उस शौर्य को संदेह हो गया है कि मैं सब हम शक्लों को एक साथ मारना चाहता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत बुरी खबर है महामहिम। पहले पूरी बात सुन। अच्छा, और भी बात बाकी है, लेकिन इस सोन चिड़िया ने तो सिर्फ दो बार काव काव बोला, तो मुझे लगा कि बात खत्म हो गई। महामहिम, मैं इसकी भाषा को नहीं समझ सकता हूँ, आप बोलिए आगे की क्या खबर है। शौर्य के इस संदेह को विवान ने नकार दिया, क्योंकि उसे लगता है मैं धरती लोक पर उस चौथे हमशक्ल को मारने जा रहा हूँ। अरे वो विवान कितना बड़ा मूर्ख है, और आप कितने बड़े ज्ञानी, जैसे दूध के सामने फीका पानी। वीर लोक के रक्षक आपके सामने घास के बराबर है, और आप ताकत के बरगद के बराबर हो। चुप कर मूर्ख। जरूर जरूर महामहिम, आप चुप होने को बोल रहे मतलब कुछ गहरी बात होगी। वाह 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 महामहिम, मैं आपके साथ रह के धन्य हो गया हूँ। अगर उस शौर्य को संदेह हो गया है तो विमान को भी संदेह होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे पूरा विश्वास है महामहिम कि विमान को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं होगी कि आप गहरे पानी में डुबकी लगाने वाले कितने बड़े तैराक हो। चलो कासो। अरे कहाँ जा रहे हो महामहिम? उन तीन हम शक्लों को मारने। आपकी योजना में अचानक बदलाव मैं समझ नहीं पाया। तुझे समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो सोचता हूँ वो बोलता नहीं, जो बोलता हूँ वो करता नहीं, और जो करता हूँ वो हर किसी की सोच से परे होता है। हाँ, ये बात तो सही है कि इनकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। हाँ, लेकिन इनके साथ चिपके रहने में मेरा ही फायदा है, क्योंकि शेर जब शिकार करता है तो गीदड़ को भी खाना मिल जाता है। देवू भैया,
बच्चों, अरे 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 गजब कर रही बच्चा लोग, ना जान ना पहचान मुफ्त में कर दिया हमारा पिंडदान। अरे हम भूत आए हैं बच्चों, हम बोल लेने आए थे। अरे गजब बकैती की है बच्चों ने, हम तो दोस्त बनने आए हैं पर ये तो यहाँ पे हमें भूत ही समझ ली, और वो भी फ्री में। कोई बात नहीं हैप्पी, चलो। कोई है? अरे घर में कोई है का? कोई है? अरे घर में कोई है का? किसी ने हमारे हैप्पी? मैंने इसे जन्म तो नहीं दिया था, लेकिन ये मेरे बेटे से भी बढ़कर था। हाँ, अरे ये है, ये हैप्पी है हमारा लल्ला। अब था काहे बोल रही है? रहने दीजिए, पहले तो ये हार निकालिए। हाँ, अरे क्या कर रही हैं आप ये? अभी तो मेरे देवों की तेर भी नहीं हुई। अरे अरे अरे, ये हमारा लल्ला है, एकदम सही सलामत है। अब तो इसकी तेर भी करवा रही है ना? आपका बेटा तो कानपुर में है ना, यहाँ क्या करेगा? अरे वो हमारे साथ आया था बंबई, पर आप ये सब छोड़िए, आप पहले ये हार निकालिए। हमसे पहले इस पर माला नहीं चढ़ सकती, हम इसको निकालेंगे अभी। नहीं रुकिए आप। अरे नहीं, हम नहीं रुक सकते ना। अरे आप ये नहीं कर सकती, रुकिए। क्या हुआ खुशी, किसका भूत देख लिया तूने? मम्मी मैंने देवू भैया का भूत देखा। क्या? हाँ। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये कोई देवू बेबू नहीं है, ये हैप्पी है, हैप्पी। इसका भूत कैसे हो सकता है? मम्मी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। अरे अरे क्या लपेट बच गई है, क्या हो रहा है? हमारा हैप्पी, मेरी हार, पता नहीं क्या बोल रही है सब। अरे हमारे परिवार वाले कहाँ चले गए? माँ, भैया, भाभी, लगता है भूत अपनी मम्मी को बुला रहा है। भूत मम्मी तो डाय नहीं होगी ना? ये देखिए मम्मी, देवू भैया का भूत। हाँ, ये देवू भैया का भूत है, ये देवू भैया का भूत है, ये देवू भैया का भूत है। अरे 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 अरे, हम कोई भूत वूत नहीं है भाई, हमारा नाम तो हैप्पी पांडे है, हैं? अरे हाँ, अरे ये हैप्पी है, हैप्पी हमारा लल्ला कानपुर से। अरे नहीं नहीं आंटी, ये भूत ही है, हमने रिंकू की घोष मशीन से इन्हें आप बुलाया है। हाँ, अरे हिप्पो, ये कोई भूत नहीं है, ये हमारे हैप्पी चाचू है। फिर? हाँ, हैप्पी कोई भूत वूत ना है, हम अभी साबित कर देते हैं, हमारा भाई है। रुकिए, हटिए माँ।
देवू भैया, देवू देवू